हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं निधि फ्रॉम निधि अभी चैनल। एंड गाइस आज मैं आप सभी के साथ शेयर करी लैक्मे सीसी क्रीम के साथ फुल मेकअप ट्यूटोरियल। गाइस ये जो मैंने मेकअप क्रिएट कर रखा है इसको मैं लैक्मे की सीसी क्रीम को यूज करके क्रिएट की हूँ, तो मैं वही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस चलिए हम देखते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है सीसी क्रीम को यूज करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो पास में बेल बटन होता है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जब बीबी सीसी क्रीम या फिर कुछ भी फाउंडेशन अप्लाई करें तो उससे पहले आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है। फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज करी यहाँ पे बायोटिका बायो सैंडलवुड फेस लोशन, यू कैन सी। मॉइस्चराइज करने के बाद गाइस हम यूज़ करेंगे सीसी क्रीम। तो सीसी क्रीम लैक्मे की मैं यूज़ कर रही हूँ, 2 शेड्स में अवेलेबल है, तो मैं इसका कलर ट्रांसफॉर्म क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अब एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से हम पूरे क्रीम को ब्लेंड कर देंगे। अब हम अपर आई एरिया एंड अंडर आई एरिया पे सीसी क्रीम को ही अप्लाई करेंगे एज अ कंसीलर। सीसी क्रीम की हेल्प से आप अपना फुल मेकअप कर सकते हैं क्योंकि सीसी क्रीम आपको काफ़ी अच्छा कवरेज देती है। अब एक आईब्रो पेंसिल की हेल्प से हम अपने आईब्रो को फिल कर लेंगे। गाइज अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर दीजिएगा, और हाँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पे निविया का लिप बाम अप्लाई कर रहे हैं। अब हम आई शेडो यूज़ करेंगे गाइज, एकदम से लाइट कलर सा हम आई शेडो पिक करेंगे, यू कैन सी, क्योंकि आप यहाँ पे आई शेडो का कलर अपना डिम या फिर लाइट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, पर मैं बहुत ही लाइट सा शेड यूज़ कर रही हूँ। एंड यू कैन सी आई शेडो को आप जब भी अप्लाई करिए हमेशा क्रीज लाइन से स्टार्ट करिए, क्रीज लाइन पे अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे तो ही आपका आई शेडो का जो भी आपको कलर डिज़ायर कलर आपका है वो तो ही आपका निकल के आएगा। जैसे मैं कर रही हूँ क्रीज लाइन पर आपको अच्छे से ब्लेंड करना होता है। आपके ऊपर आप जिस तरह का आई शेडो यूज़ करना चाहें आप उस कलर के यूज़ कर सकते हैं। आपने सीसी क्रीम यूज़ किया हो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं वो कलर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे न्यूट कलर का शेड लिया था। अगेन गाइज मैं एक शेड पिक कर रही हूँ और उसको ऊपर से ब्लेंड करूँगी, क्रीज लाइन से ही मैं अगेन इसको ब्लेंड करूँगी, यू कैन सी। गाइज यू कैन सी आई शेडो अप्लाई कर लिया मैंने। आई शेडो आपके ऊपर डिपेंड है गाइज, आप जिस तरह का आई शेडो लाइट डार्क जैसा भी चूज करना चाहे आप चूज कर सकते हैं इस बीबी सॉरी इस सीसी क्रीम के मेकअप के साथ। एंड गाइज अब हम आई लाइनर यूज़ करेंगे। आई लाइनर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कलर स्क्रीन का, गाइज बहुत ही अच्छा आई लाइनर है, टोटल ये वाटरप्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग आई लाइनर होता है। गाइज मैंने इसका फुल रिव्यू दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, आई बटन पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। गाइज अब लिपस्टिक यूज़ करेंगे। गाइज ये मैं अलेटीन की यूज़ करूँ, मेरे पास काफ़ी टाइम से ये लिपस्टिक रखी हुई थी तो मैं आज इसको यूज़ कर रही हूँ। हम एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने सारे मेकअप को सेट कर देंगे। तो गाइज मैं यहाँ पे लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज ये है मेरा फाइनली मेकअप लुक जो कि मैं सीसी क्रीम की हेल्प से क्रिएट की हूँ। गाइज मैंने फाउंडेशन या फिर कोई भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं। सो गाइज आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड गाइज अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।